हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस जोन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आने वाला एग्जाम जो आपका एनएफसी है, एनएफसी का जो एग्जाम होना है, एनसीएल का जो एग्जाम होना है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने सक्सेस जोन लेकर आया है, जिसके लिए काफ़ी सारे आपको डिस्क्रिप्शन भी, हर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही ये 1000 क्वेश्चन के सीरीज में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग हर एग्जाम में 80-90% क्वेश्चन इसमें से या इस पे बताए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। साथ ही हमारे जो ऑनर्स फैक्ट्री के भाई हैं, वो जो LTCE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि इस सीरीज में क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो कि आपके 2001 से 2016 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उन क्वेश्चन पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन को उठाया गया है और उन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो आप लोग सक्सेस जोन के साथ जुड़े रहें और अपने LTCE के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक अच्छी करें। शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले दो पार्ट में 40 क्वेश्चन तक क्लियर किया हुआ था, आज से हम 41वां क्वेश्चन क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली आपको और भी वीडियोज़ जो हैं वो आपको जल्दी से प्राप्त हो सकें और साथ में आने वाली जितने भी वैकेंसी हैं उन वैकेंसी के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त हो सके। यदि आप 1000 PDF खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी जहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए 41 क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कुछ यू दिया गया है। जब बैक गियर को इंगेज किया जाता है तो खालिस्तान को डिसइंगेज किया जाता है। When the back gear is engaged and disengaged, options हैं बुल गियर, इंगेज पिन, लीड स्क्रू एंड नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैक गियर एक्चुअली होता क्या है। तो बैक गियर एक यूनिट होती है जो कि लेथ मशीन के हेड स्टॉक में मुख्य स्पिंडल के पीछे लगाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है गति को काफ़ी हद तक कम कर देना। यानी कि यदि हम लोग फोर स्टेप कॉन पुली का प्रयोग करते हैं तो फोर स्टेप कॉन पुली का प्रयोग करने के दौरान हमको चार प्रत्यक्ष गतियां प्राप्त होती हैं, चार अप्रत्यक्ष गतियां होती हैं। टोटल कितनी गतियां प्राप्त होती हैं? 8 गतियां प्राप्त होती हैं। तो जब हम लोग बैक गियर को इंगेज करते हैं तो जो आपकी इंगेज पिन होती है, इंगेज पिन को हम लोग क्या कर देते हैं? डिसइंगेज कर देते हैं। अच्छा, ये बैक गियर कैसे काम करता है? इसका पूरा सिस्टम इस वीडियो में मैंने आपको बताया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेथ बैक गियर मैकेनिज्म, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही यदि आप इस ब्लू लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट हमारी बैक गियर मैकेनिज्म की सीरीज पे पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक वर्नियर कैलिपर में मुख्य पैमाने पर 0.1 mm के अल्पत मांक के साथ मिलीमीटर में पाठ्यांक लिए जा सकते हैं। वर्नियर पर मौजूद 10 विभाजन मुख्य पैमाने के 9 विभाजनों के संगत है। कैलिपर का अल्पत मांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हैं 0.01 mm, 0.001 mm, 0.1 mm और 1 mm। तो यहाँ से इसको सॉल्यूशन करने से पहले आपको इसका काफ़ी इजी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आपको सिर्फ इस बात पे गौर करना है कि यहाँ पे मुख्य पैमाने पर 0.01 mm का अल्पत मांक है, यानी कि जो मुख्य पैमाना है, मुख्य पैमाने के सबसे छोटे भाग का मान कितना है? 0.1 mm। और बर्नियर के भाग हैं 10 और मुख्य पैमाने पर भाग कितने हैं? 9। चलिए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला आपका क्या बोलता है? लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 VST, टोटल VST माइनस MST, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन आपके कितने हैं? 10 है। और मुख्य स्केल डिवीजन आपके कितने हैं? 9 है। तो 10 - 9 अपॉन पे VST, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन, साथ में 1 MST का आपको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 - 9, चूँकि 10 आपके वर्नियर स्केल डिवीजन है और 9 आपके मुख्य स्केल डिवीजन है, तो मैंने 10 से 9 को सबसे पहले माइनस किया, अपॉन पे 10 फार्मूले से आया, इंटू 0.1 mm, ये आपके एक मुख्य स्केल डिवीजन का मान है जो कि आपको मैंने क्वेश्चन पे डिवाइड शो किया हुआ है। तो चलेंगे आप देखेंगे इसका आंसर कितना जाएगा, 0.01 mm, यानी कि इसका आंसर निकल कर आ जाता है आपका ए, 0.01 mm। एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा स्टैंडर्ड जो आपका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
लिस्ट काउंट चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन में बताए गए, जितना भी क्वेश्चन में शो किया गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आपका कितना होता है, 0.02 mm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है आपसे पार्टिंग, यानी कि पार्टिंग ऑफ एक प्रोसेस होती है, पार्टिंग के लिए टूल की सेंटरिंग जॉब के सेंटर की रखी जाती है, यानी कि ये आपका मान के चलो कोई जॉब है जो कि लेथ मशीन में बंधा हुआ है, इसको हमको दो भागों में डिवाइड करना है, तो दो भागों में डिवाइड करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिंग बोलते हैं, यानी कि ये वाला हमारा पीस पार्ट जो है बनकर निकल गया है और हमको इसके आगे वाले पार्ट में क्या करनी है, ऑपरेशन करने हैं, तो आपको यहाँ से इस वाले पीस पार्ट को काट कर क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तो अलग करने की जिस प्रोसेस को, प्रोसेस का नाम है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्टिंग ऑफ। तो पार्टिंग ऑफ के लिए जो जॉब होता है इस जॉब के सेंटर पे ही आपको टूल को रखना पड़ेगा, यदि आप इस टूल को सेंटर पे नहीं रखेंगे तो आपका एक टिप बन जाएगी या फिर फेस कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा, जिस तरह से फेसिंग में एक डिफेक्ट आते हैं उस तरह से आपको इसमें भी डिफेक्ट आ जाएंगे। तो पार्टिंग के लिए जो टूल की सेंटरिंग है जॉब के सेंटर की सीध में या बराबर में रखी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है बेंट टेल लेथ कैरियर का प्रयोग खालिस्तान के साथ किया जाता है, यूज वेंट टेल कैरियर विथ ब्लैंक इनवॉइस, ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट, कैच प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बेंट टेल कैरियर हो चाहे स्ट्रेट टेल कैरियर हो, क्लैंप टाइप कैरियर हो, कैरियर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर किया हुआ है, तो आप पिछली वीडियो को अगर नहीं देखा है आपने तो पिछली वीडियो को जरूर जाकर आप देखिए। यहाँ पर मैंने आपके सामने दो कैरियर बनाए हुए हैं, दो कैरियर के आपके फिगर हैं, इसमें इस ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेंट टेल कैरियर, यानी कि ये इसकी टेल होती है और ये मुड़ी हुई होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंट टेल कैरियर, और ये होता है आपका स्ट्रेट टेल कैरियर, क्योंकि इसकी जो पूंछ होती है वो एक भी मुड़ी नहीं होती, यानी कि सीधी होती है। तो बेंट टेल कैरियर का प्रयोग हम लोग कैच प्लेट के साथ करते हैं और स्ट्रेट टेल कैरियर का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, ड्राइविंग प्लेट के साथ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन हमारा जब टम्बलर गियर न्यूट्रल पोजिशन में होता है तो खालिस्तान को मोशन प्राप्त नहीं होती, वेन द टम्बलर गियर इज अ न्यूट्रल पोजिशन, ब्लैंक डज नॉट गेट मोशन, ऑप्शन है स्पिंडल, लीड स्क्रू, टेल स्टॉक या फिर यह सभी। तो जब आपका टम्बलर गियर, तो टम्बलर गियर की हम लोग बात करें, टम्बलर गियर पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कराई हुई है, जैसे आप देख रहे हैं इंटरफेस पे आपको टम्बलर गियर, लेट टम्बलर गियर के बारे में दिखाया जा रहा है, तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई हुई है, वहां से जाके आप टम्बलर गियर के पूरे मैकेनिज्म के बारे में देख सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, टम्बलर गियर का जो संबंध होता है हमारा, टम्बलर गियर का संबंध हमारा स्पिंडल से होता है, लेकिन स्पिंडल पे टम्बलर गियर का कोई यूजेस नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेलीस्टॉक किसी भी प्रकार से हम लोग ऑटोमेटिक फीड नहीं देते हैं, यानी कि टम्बलर गियर का टेलीस्टॉक पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लीड स्क्रू, यदि हम टम्बलर गियर को न्यूट्रल पोजिशन में लेकर आते हैं तो लीड स्क्रू को बिल्कुल भी आपको मोशन प्राप्त नहीं होती है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, कार्बाइड के कटिंग टूल हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा खालिस्तान गति पर कार्य कर सकते हैं, यानी कि कार्बाइड कटिंग टूल्स देन हाई स्पीड स्टील कैन वर्क ऑन स्पीड, ऑप्शंस हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना या फिर 4 गुना। चलिए तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे जो टूल्स होते हैं, टूल्स के जो मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, तो आप देखेंगे इन सबको और इनको नोट भी जरूर कर सकते हैं आप। जैसे कि सबसे फर्स्ट लिखा हुआ हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा आधी गति पर कार्य करता है, दूसरा हमने बताया आपको हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील हाई कार्बन स्टील की अपेक्षा दोगुना गति पर कार्य करता है, स्टेलाइट की अगर हम लोग बात करें तो स्टेलाइट हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक गति पर कार्य करता है, यानी कि आंसर आपको 3 गुना ही लगाना है। कार्बाइड की टूल होते हैं, कार्बाइड की टूल हाई स्पीड स्टील की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक गति पर कार्य करते हैं, सिरामिक के जो टूल होते हैं हाई स्पीड स्टील की तुलना में 40 गुना और कार्बाइड की तुलना में 40 गुना अधिक गति पर कार्य करते हैं, जो डायमंड की टूल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील की तुलना में 50 गुना अधिक गति पर कार्य करते हैं। तो इनको आपको वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं और नोट करने के पश्चात आप इनको याद कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है और आपकी काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होने वाला है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कार्बाइड के कटिंग टूल हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 4 गुना अधिक गति पर कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा,
सिरामिक टूल बनाए जाते हैं? सिरामिक टूल्स आर मेड, ऑप्शंस हैं सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर, बोरॉन कार्बाइड पाउडर या फिर डायमंड एब्रेसिव। तो सिरामिक के जो टूल होते हैं वो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर से बनाए जाते हैं, जबकि जो सिरामिक होता है वो हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 3 गुना अधिक कठोर होता है, और सिरामिक के टूल हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 40 गुना अधिक गति पे कार्य करते हैं। सिरामिक के टूल बनाने के लिए एक पाउडर मेटलर्जी टेक्निक होती है, तो सिरामिक के टूल पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, बेज कोण बनाने में सहायक कोणों के नाम हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द एंगल विच आर हेल्पफुल इन मेकिंग द वेज एंगल? ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल एंड फ्रंट क्लियरेंस एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल एंड टॉप रेक एंगल, बैक रेक एंगल एंड एंड कटिंग एज एंगल एंड नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ से पहले तो आंसर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा बी, फ्रंट क्लियरेंस एंगल एंड टॉप रेक एंगल। चलते हैं क्वेश्चन टूल पे तरफ। ये जो आप टूल देख रहे हैं, इस टूल पे ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंगल, और इस पॉइंट एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेज एंगल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, इसके ऊपर वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं रेक एंगल, और इसके नीचे वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाई स्पीड स्टील के औजार के द्वारा 50 mm व्यास के एक कारखंड के लिए सादा खरादना, सादा खरादना यहाँ पे खरादना लिखा हुआ है, सादा खरादने के लिए आरपीएम की गणना करना है, आरपीएम यानी कि एन की गणना करनी है, जबकि कटिंग स्पीड आपकी 30 मीटर प्रति मिनट ऑलरेडी क्या हुई है, मेंशन की हुई है। ऑप्शन है 170 rpm, 180 rpm, 190 rpm एंड 200 rpm। तो इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कटिंग स्पीड का हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, पाई डी एन अपॉन पे 1000 मीटर प्रति मिनट। तो देखेंगे आप, कटिंग स्पीड आपको 30 ऑलरेडी मेंशन की हुई है, साथ में पाई का मान 22/7, 50 इसका डाया है, एन हमको ज्ञात करना है, और अपॉन पे ये फार्मूले से 1000 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको 191.08 यानी कि 190 rpm इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर रीमिंग की अपेक्षा बोरिंग से मुख्य लाभ है। द मेन बेनिफिट्स फ्रॉम बोरिंग ओवर रीमिंग ऑन द लेथ मशीन। ऑप्शंस है बोरिंग जॉब में किसी संकेंद्रता को ठीक कर सकता है, जबकि रीमिंग द्वारा यह संभव नहीं है। इस लाइन से मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि जो बोरिंग होती है, एक्चुअली बोरिंग किसी छिद्र, पहले से बनाए गए किसी छिद्र को बड़ा करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं। संकेंद्रता का मतलब क्या होता है, ये एकदम एक सीध में आपका क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। तो बोरिंग के द्वारा अगर कोई होल, मान के चलो कोई पार्ट है, ये कोई आपका पार्ट है, और इस पार्ट में आपको ये एकदम सेंटर टू सेंटर क्या करना है, होल करना है, परंतु आपका जो होल था वो सेंटर से आउट हो जाता है, तो सेंटर से आउट होने के कारण हम रीमर से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बोरिंग से क्या कर सकते हैं, इसकी संकेंद्रता को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या क्लियर हो जाता है, आंसर पहला ही हमारा क्लियर हो जाता है कि बोरिंग जॉब में किसी संकेंद्रता को ठीक कर सकता है, जबकि रेमिंग द्वारा यह संभव नहीं है। तो ये हमारा तो आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे गौर करते हैं, क्वेश्चन है आंसर है बोरिंग से जॉब की असंरेखण, असंरेखण का मतलब होता है मिस अलाइनमेंट, ठीक की जा सकती है, जबकि रेमिंग से यह संभव नहीं है। तो मिस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए बोरिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। बोरिंग से अच्छी फिनिशिंग मिलती है, यह गलत बात है, क्योंकि रीमिंग से सबसे ज्यादा अच्छी फिनिशिंग प्राप्त तो होती है। बोर द्वारा किए गए छिद्र को अधिक परिशुद्धता से परिष्कृत किया जा सकता है, ये भी आंसर क्या हो जाता है आपका, गलत, क्योंकि बोरिंग द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मात्रा में परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक माइक्रोमीटर के द्वारा अतिरिक्त लंबाई मापन के लिए विस्तार छड़ यानी कि एक्सटेंशन रॉड पर क्या जोड़ देना चाहिए? तो आंतरिक माइक्रोमीटर के द्वारा जब हम लोग अतिरिक्त लंबाई मापन करते हैं, यानी कि लेंथ मेजरमेंट बाय इंटरनल माइक्रोमीटर इज एडेड टू द एक्सटेंशन रॉड, जब हम लोग माइक्रोमीटर के द्वारा अतिरिक्त लंबाई, मान जैसे कि अगर 100 mm का हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है और हम लोग 125 mm की माप लेना चाहते हैं, या फिर 150 mm की, 200 mm की माप लेना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आपकी एक्सटेंशन रॉड होती है,
आंतरिक माइक्रोमीटर द्वारा ट्रैक्टर लंबाई मापन के लिए विस्तार छड़, विस्तार छड़ यानी कि एक्सटेंशन रॉड पर हम लोग को क्या जोर देना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं स्पेसिंग कॉलर, माइक्रोमीटर का हेड, एक्सटेंशन का रॉड या फिर यह सभी। यहां से हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है? विस्तार छड़ पर हम लोग को स्पेसिंग कॉलर को क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी टेपर का अंत कोण 20 डिग्री है तो शीर्ष स्लाइड के घुमाव का कोण क्या होगा? इफ द एंड एंगल ऑफ अ टेपर इज 20 डिग्री, देन द टॉप स्लाइड व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन। तो पिछली काफी सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी यदि आपको टेपर का कोण दिया हो या फिर थ्रेड का कोण दिया हो तो आपको हमेशा कंपाउंड स्लाइड को या टॉप स्लाइड को उसके आधा यानी कि 10 डिग्री पर हम लोग को क्या करना चाहिए? स्वेवल करना चाहिए। तो यदि 30 डिग्री है तो 15 डिग्री आ जाएगा आंसर, यदि 40 डिग्री है तो 20 डिग्री आंसर जाएगा, 20 डिग्री है तो 10 डिग्री आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे आता है उस पर देखते हैं, देखेंगे आप। ये आपका एक जॉब है और इस जॉब पे आप देख रहे हैं कि जब हम लोग किसी जॉब पे टेपर बनाते हैं तो टेपर आपका कुछ इस टाइप से जाके मिल जाता है आगे जाके। आगे जाने के बाद ये एंगल आपका 2 थीटा कहलाता है। कितना कहलाता है? 2 थीटा कहलाता है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? थीटा ये हो जाएगा आपका, थीटा ये हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल आपका 20 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री। तो आप देखेंगे हम लोग कंपाउंड स्लाइड को किस बे पे ओनली किस एंगल पे करते हैं? ओनली इस एंगल पे यानी कि हाफ एंगल पे हम लोग कंपाउंड स्लाइड को या टॉप स्लाइड को क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 10 डिग्री। यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड स्लाइड से टेपर खरादने की विधि के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला भी दिया गया है, जैसे कि 10 थीटा इज इक्वल होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन पे 12, जहाँ पे डी बड़ा डायमीटर होता है, स्मॉल डी छोटा डायमीटर होता है और एल आपका टेपर की लंबाई होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जब आप टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर खरादते समय ऑफसेट को किस अंश तक, लंबाई तक ऑफसेट किया जा सकता है जिससे कि सेंटर का घिसना ना हो सके? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1/50। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार आ चुका है, तो आप इसको याद कर लें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि के एक फिगर बताया गया है। टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि का एक फिगर है। टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि को मैंने पुरानी वीडियो में भी काफी आपको काफी कुछ क्लियर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक चपटी सतह को मशीनीकरण करने के लिए कटिंग टूल का जो अवकाश कोण होता है यानी कि जो क्लियरेंस एंगल होता है साधारणतया कितना होना चाहिए? टू मशीनिंग अ फ्लैट सरफेस व्हाट शुड बी द कटिंग टूल्स क्लियरेंस एंगल मोडलिटी। ऑप्शन है 8 से 15 डिग्री, 8 से 10 डिग्री, 6 से 8 डिग्री, 12 से 15 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ सतह के बारे में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चपटी सतह यानी कि फ्लैट सरफेस के लिए 6 से 8 डिग्री होना चाहिए। बाह्य बेलनाकार सतह के लिए 5 से 7 डिग्री होना चाहिए। आंतरिक बेलनाकार सतह के लिए 8 डिग्री से 10 डिग्री होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपको आंसर क्वेश्चन में चपटी सतह यानी कि फ्लैट सरफेस पूछा गया है। फ्लैट सरफेस के लिए आंसर आ जाएगा आपका सी, 6 डिग्री से 8 डिग्री होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, यह वेट एबिलिटी यानी कि गीला होने की क्षमता तथा स्लिपनेस यानी कि फिसलने का कॉम्बिनेशन होता है। दिस वेट एबिलिटी वेटनेस एंड स्लिपनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये लुब्रिकेंट के कुछ गुण बताए गए हैं, जैसे कि फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट एंड ऑयलीनेस। तो ऑयलीनेस एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण से गीला होने की क्षमता प्राप्त होती है और स्लिपनेस का कॉम्बिनेशन बनता है। यानी कि जब हम लोग किसी दो पार्ट के बीच में लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट हमने डाला, दो पार्ट के बीच में हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं तो लुब्रिकेंट एक पतली फिल्म बना लेता है जिससे ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं और फ्री मूवमेंट में क्या होने लगते हैं? आपके घूमने लगते हैं। चलिए यहाँ से फ्लैश पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैश पॉइंट क्या हो जाएगा? कूलेंट किसी लुब्रिकेंट का वह गुण जिस यदि उसे उच्च ताप पर तक गर्म किया जाए तो वह गर्म भाप में क्या होने लगता है? बदलने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट क्या होता है? यही भाप जब आपकी आग पकड़ लेती है, काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील हो जाती है, आग पकड़ लेती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फायर पॉइंट। और बर्फीले स्थानों पर क्या होता है? जिस तरह से पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जम जाता है परंतु लुब्रिकेट आपका काफ़ी माइनस पॉइंट पर आपका जमना नहीं चाहिए यानी कि हम लोग लुब्रिकेंट को उड़ेल सकें, उसको हम लोग बोलते हैं पोर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, किन सतहों के ऋजुता परीक्षण के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है?
ओनली स्प्रिट लेवल के बाद यहाँ पे की गई। ध्यान रखना, फॉर विच सरफेस स्प्रिट लेवर आर यूज टू टेस्टिंग स्ट्रेटनेस। रिजुता को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटनेस। तो अगर हमको किसी स्ट्रेटनेस की सतह को हमको चेक करना है कि ये स्ट्रेट है या नहीं है, या कहीं से झुकी है, या कहीं पे हल्का सा वेविनेस है, रफनेस है, तो इन सबको चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ओनली स्प्रिट लेवल। तो स्प्रिट लेवल का प्रयोग केवल ये क्षैतिज सतह को ही चेक करता है। जो आपका स्प्रिट लेवल होता है वो केवल आपके क्षैतिज सतह को क्या करता है? ओनली चेक करता है, ये आपकी क्षैतिज सतह है। अब इनकेस यदि कहा जाए कि वर्टिकल सरफेस को भी हमको चेक करना है, वर्टिकल सरफेस आपकी एकदम वर्टिकल 90 डिग्री है या नहीं है, यदि जैसे हम लोग दीवार बनाते हैं या फिर पाइपलाइन की फिटिंग करते हैं, तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री में है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ब्लॉक स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ब्लॉक स्प्रिट लेवल। यानी कि जो आंसर सी दिया हुआ है हमारा, आंसर सी पूछा गया है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सतह के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लॉक स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे। ओनली क्षैतिज सतह के लिए स्प्रिट लेवल या फिर प्रिसीजन स्प्रिट लेवल होता है, और क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों सतह के लिए कौन सा होता है? आपका बूथ हॉरिजेंटल के लिए किसका होता है? आपका ब्लॉक स्प्रिट लेवल का। किसका प्रयोग करते हैं? ब्लॉक स्प्रिट लेवल का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जिग का उपयोग पतली सीट में ड्रिल करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच जिग यूज्ड टू ड्रिल इन टू थिन सीट यूज्ड फॉर। ऑप्शन है सॉलिड जिग, पोस्ट जिग, सैंडविच जिग, टेबल जिग। तो आपका ये जो जिग होता है ये मास प्रोडक्शन में एक विशेष टूल, स्पेशल टूल के रूप में यूज किया जाता है, जिससे मास प्रोडक्शन के टाइम पे जॉब को काफ़ी जल्दी बनाया जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे जिग के बारे में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पे दिए हुए इन क्वेश्चन के जिग के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे कि सॉलिड जिग की अगर हम लोग बात करें, तो सॉलिड जिग छोटे पीस में, छोटे पीस पार्ट में ड्रिलिंग करने के लिए सॉलिड जिग का प्रयोग करते हैं। पोस्ट जिग की अगर बात की जाए, तो बोर से लोकेशन लेने के लिए पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है। सैंडविच जिग की अगर हम लोग बात करें, तो पतली सीट में ड्रिलिंग करने के लिए सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। और टेबल जिग की अगर हम लोग बात करें, तो टेबल जिग, जब पीस पार्ट को जिग के फेस से कुछ दूरी पर लोकेट करना हो। ये चारों जिग आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और हर एग्जाम में इन चार में से कोई एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो इनको आप नोट जरूर करें। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस जिग का उपयोग पतली सीट में ड्रिल करने के लिए करते हैं? सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डरिंग यानी कि मुलायम सोल्डरिंग खालिस्तान टेम्परेचर पर की जाती है। सॉफ्ट सोल्डरिंग इज डन एट टेम्परेचर। ऑप्शन हैं 450 से अधिक, 450 से कम, 1000 पर, या फिर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो आपकी सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है, सॉफ्ट सोल्डरिंग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर की जाती है। यहाँ पे मैंने आपको सॉफ्ट सोल्डरिंग के बारे में बताया है, सॉफ्ट सोल्डरिंग लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रेजिंग के बारे में बताया है, मोर देन 450 बट 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सिल्वर ब्रेजिंग 600 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और वेल्डिंग एट मेल्टिंग टेम्परेचर पे, यानी कि जो वेल्डिंग की जाती है वो टेम्परिंग, जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है कि जो गलनांक होता है, उस गलनांक पे आपकी वेल्डिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पाइप वाइस के द्वारा कितने मिलीमीटर तक के व्यास के पाइप को पकड़ा जा सकता है? हाउ मैनी मिलीमीटर्स ऑफ डायमीटर पाइप कैन वी कॉट पाइप वाइस? ऑप्शन है 63 mm, 72 mm, 68 mm, या फिर 70 mm। तो पाइप वाइस का मुख्य प्रयोग कहाँ किया जाता है? पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है पाइप फिटिंग कार्यों में, पाइप को पकड़कर किसी एक विशेष ऑपरेशन को करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि जो पाइप रेंच होता है, पाइप रेंच 15 mm से 50 mm के बीच के पाइप को पकड़ता है। चैन पाइप रेंच आपकी 50 से 150 mm पाइप के पकड़ सकती है। पाइप वाइज आपकी 63 mm तक के व्यास के जॉब के पाइप को पकड़ सकती है। चैन पाइप वाइज 63 से 200 mm तक के व्यास के पाइप को पकड़ सकती है। और हाइड्रोलिक पाइप बेंडर आपके 75 mm व्यास तक के पाइप को बेंड कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, इसको नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, 5 इंच साइन बार का उपयोग करके 30 डिग्री के लिए उन्नतांश ज्ञात कीजिए। उन्नतांश यानी कि फाइंड एलिवेशन फॉर 30 डिग्री यूजिंग 5 इंच साइन बार। यदि आपको यह उन्नतांश समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको यह एलिवेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले साइन बार के कोण की ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला पता है, तो आप यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है आपका साइन बार के कोण की ज्या, साइन बार के कोण की ज्या बराबर होता है स्लिप गेज की ऊंचाई अपॉन पे साइन बार की लंबाई। साइन बार के कोण की ज्या, कोण की ज्या के लिए आपको साइन थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्या का मतलब साइन थीटा होता है, कोज्या मतलब कोसाइन थीटा होता है, और स्पर्श ज्या क्या मतलब होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पे मेंशन की हुई है। स्लिप गेज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और साइन बार की लंबाई आपको 5 इंच ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। अब आपको पता होना चाहिए साइन 30 की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में, सारणी में 1/2 इसकी वैल्यू होती है। एच हमने स्लिप गेज की हाइट को माना है और 5 इंच हमको साइन बार की लंबाई ऑलरेडी मेंशन की हुई है, तो हमारे एच का मान कितना जाएगा 2.5 इंच। यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर जिस तरह से है, तो आप इसको सॉल्यूशन जरूर करें। और इस तरह से ये जैसे इंच वाला दिया गया है, तो इंच की जगह पे कई बार एमएम आता है, और ये मैक्सिमम एग्जाम के मतलब आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, चाहे वो मेडक का एग्जाम हो, आपके डीएमआरसी का एग्जाम हो, डीआरडीओ का एग्जाम हो, यहाँ तक कि एनसीएल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि यहाँ पे एंगल पूछा गया था, तो आपको 3 में से अगर कोई दो वैल्यू फाइंड है, दो वैल्यू पता है, तो आप एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 62 नंबर का, जो पाइप बेंडर होता है, पाइप वेंडिंग मशीन के फॉर्मर का चयन निर्भर करता है। पाइप वेंडिंग मशीन फॉर्मर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन पाइप के बाहरी व्यास पर, पाइप के दीवार की मोटाई पर, पाइप के बोर के व्यास पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो पाइप बेंडिंग होती है आपने देखा होगा, मान के चलो अगर कोई पाइप है, इस पाइप को अगर हमको बेंड करना है तो कैसे बेंड करेंगे, तो बेंड करने के लिए हमारे पास एक पाइप बेंडर होता है, और उस पाइप बेंडर के माध्यम से हम लोग पाइप को क्या कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं। जैसा कि इसके ऊपरी वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, पाइप बेंडर 75 mm व्यास तक के पाइप को क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर आपका जो आ जाएगा, पाइप बेंडिंग मशीन का जो फॉर्मर होता है, पाइप बेंडिंग मशीन का फॉर्मर पाइप के बाहरी व्यास पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पाइप के बाहरी व्यास पर आपका निर्भर करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में आपका आंसर पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया है इंडक्शन हार्डनिंग विधि में इंडक्शन की जो कॉइल है वो बनाई जाती है। इंडक्शन हार्डनिंग की विधि के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई पार्ट है, जैसे छोटे गियर्स होते हैं, छोटे शाफ्ट होती हैं, यदि हमको उनको सरफेस को हार्ड करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉइल लेते हैं और उस कॉइल को इस पे क्या कर देते हैं, ऐसे लपेट देते हैं, एक ऐसे 2 बार लपेट के, और कॉइल पे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो एसी धारा के प्रवाहित करने से करंट का क्षेत्र बनता है, जिससे आपकी ये रॉड क्या होती है, गर्म होती है। रॉड को निकालने के बाद बहुत ही बारीक बूंदों के फुहारे से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि इसकी जो आउट साइड की जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, आपकी हार्ड हो जाती है, जबकि इंटरनल जो सरफेस होती है वो आपकी सॉफ्ट बनी रहती है। तो यहाँ पे इंडक्शन हार्डनिंग विधि में इंडक्शन की कॉइल जो लगाई थी हमने, वो पूछा गया है किससे बनाई जाती है। ऑप्शन है तावा, नाइक्रोम, टंगस्टन या फिर पीतल। तो आपकी ये कॉइल बनाई जाती है कॉपर से। तो यहाँ पे मैंने और भी कॉइल्स पूछी जाती हैं एग्जाम में, उन कॉइल के बारे में आपको बताया है। जैसे कि इंडक्शन कॉइल कॉपर की बनाई जाती है, हीटर की कॉइल नाइक्रोम की बनाई जाती है, और बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कटर में रेक एंगल खालिस्तान से खालिस्तान के बीच होता है। द रेक एंगल इज इन द कटर रेंजेस फ्रॉम 2 8 डिग्री से 10 डिग्री, 5 डिग्री से 15 डिग्री, 10 डिग्री से 12 डिग्री, या फिर 12 डिग्री से 15 डिग्री। तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ये आंसर जाएगा हमारा 5 से 15 डिग्री। ऑनेस्ट फैक्ट्री 2017 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑनेस्ट फैक्ट्री ही 2017 में अप्रेंटिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मेडक 2018 में जो पेपर हुआ था मेडक फैक्ट्री का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BIS प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन इंटरफेरेंस फिट को दर्शाता है, इंटरफेरेंस फिट को दर्शाता है। विच कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंट टू इंटरफेरेंस फिट इन BIS सिस्टम। ऑप्शन है 20H7H8, 20H11E6, 20H8G5, या फिर 20H7P6। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली में ये लिखा क्या है। इसको जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड है, जिसमें हालांकि और आपकी PDF में भी एक लिंक को हमने प्रोवाइड करवाया है, जिससे आप पूरे डेविएशन के सिस्टम को, पूरे लिमिट फिट टॉलरेंस के सिस्टम को बहुत ही आसानी से
और बहुत ही आसान शब्दों में आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिमिट फिट टॉलरेंस की आपको लिंक प्रोवाइड कराई गई है, वहाँ से आप जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हमारा आंसर जो आ जाएगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको समझाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 20S7P6। तो ये कैसे निकल के आया आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, BSI में होल की संख्या होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ होल इन BSI? BSI का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। में होल की संख्या पूछा गया है, होल की संख्या का मतलब होता है फंडामेंटल डेविएशन कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, और ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आपको इस चार्ट में गौर करना है। मैंने यहाँ पे सिस्टम बताया हुआ है, फंडामेंटल डेविएशन बताया हुआ है, फंडामेंटल टॉलरेंस यानी कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के बारे में भी बताया हुआ है, और टाइप ऑफ होल डेविएशन जितने प्रकार के होते हैं उतने ही प्रकार के होल होते हैं, उतने ही प्रकार की शाफ्ट होती हैं। तो देखेंगे आप BSI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसको हम लोग BSS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 21 प्रकार के फंडामेंटल डेविएशन होते हैं और 16 प्रकार के ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। इनको भी समझाने के लिए मैंने आपको इसके पहले जो लिंक प्रोवाइड कराई है, उसी लिंक पे आपको ये बहुत ही इजी लेवल पे आपको पता चल जाएंगे। तो आप वहां पे जाके इस वीडियो को जरूर देखें। टाइप ऑफ होल मैंने बताया, जैसे कि फंडामेंटल डेविएशन ही टाइप ऑफ होल होते हैं 21 प्रकार के, एंड टाइप ऑफ शाफ्ट भी आपकी कितनी हो जाएंगी 21 प्रकार की। तो यहाँ से आंसर हमारा 21 क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसमें 25 प्रकार के फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, 18 प्रकार के ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। तो 25 ही प्रकार के आपके होल हो जाएंगे और 25 प्रकार की आपकी शाफ्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। 28 प्रकार के इसमें फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, 18 प्रकार के ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं, 28 प्रकार के होल और 28 प्रकार की शाफ्ट होती हैं। इसी प्रकार से एक सिस्टम और चलता है, न्यूअल सिस्टम। न्यूअल सिस्टम में 6 प्रकार के फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो टाइप ऑफ होल एंड टाइप ऑफ शाफ्ट आपकी कितनी हो जाएंगी, 6 और 6। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्म शाफ्ट और वर्म व्हील इंडेक्सिंग हेड में खालिस्तान के कोण पर मैस करते हैं। इन द वर्म शाफ्ट एंड वर्म व्हील इंडेक्सिंग हेड एट एंगल। तो कभी भी वर्म शाफ्ट और वर्म व्हील जो होते हैं आपके, आप देखेंगे इस फिगर के माध्यम से, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी वर्म शाफ्ट है, ये आपका वर्म व्हील है। दोनों का एंगल अगर आप देखेंगे तो दोनों का एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर क्या क्लियर हो जाता है, 90 डिग्री पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का यथोचित पिच है। हेक्सा ब्लेड आर सटेबल फॉर कटिंग थिन ट्यूब्स इन द पिच। ऑप्शन से 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm, 0.8 mm। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आता है 0.8 mm। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पूरी हेक्सा ब्लेड की जितनी भी पिच होते हैं, जितनी TPI होती है, कितनी TPI होती है, कितनी पिच होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या करके रखा हुआ है, क्लियर करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरा A to Z नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे पिच टीथ प्रति सेंटीमीटर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टीथ प्रति इंच एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, टाइप ऑफ सेट पूछा जाता है, एंड मटेरियल का साविंग का यूजेस पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पिच टीथ और सारी चीज़ आपको प्रोवाइड होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8 mm की पिच के लिए 5 से 6 टीथ प्रति सेंटीमीटर यानी कि प्रति 10 mm, या फिर 14 TPI होती है। कोर्स क्लासिफिकेशन होता है इसका, कोर्स पिच का, सेटिंग ऑफ द टीथ इसकी स्टैगर्ड होती है, और कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसका, सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि ब्रॉन्ज, ब्रास, सॉफ्ट स्टील, कास्ट आयरन, या फिर हैवी एंगल में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, इसके लिए आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को इसको सारी चीज़ें नोट करें। तो आपको पूरी बुक, जितनी भी बुक में जितने भी प्रकार के आपके फैले हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब कुछ हेक्सा ब्लेड के जितने भी पिच से संबंधित आंसर हैं,